नमस्कार दोस्तों, 89.6 FM सीकर से मैं हूं आरजे रामा। दोस्तों चलिए आपको ले चलते हैं अब खबरों की ओर, जहां आज दिनांक 30 जून शुक्रवार को श्री देवीपुरा बालाजी मंदिर सीकर में 1.25 क्विंटल का रोटा, जिसका महाप्रसाद बनेगा, बालाजी महाराज के भोग लगाया जाएगा। रोटा कैसे तैयार किया गया, इसमें कौन कौन से संसाधनों का उपयोग किया गया, आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां।
धारा प्रांगण में आज जो 1150 किलो आटा को बालाजी के भोग लगाबा को काम और को सिकाई को काम चालू हुए है। इकी सिकाई करीबन 18 से 20 घंटा लागसी। ओ विश्व को सबसे पहले रोटो है जगह वो देवपुरा बालाजी का प्रांगण में इको भोग लागे को। इके पहली गुजरात का मायने 9 फुट कुआ का ऊपर 145 किलो रोटा को भोग लागे हो। देवपुरा बालाजी का प्रांगण में 11 फुट गोलाई को रोट चौड़ो तवो है और बेलन है। विश्व में इससे बड़ो रोटो आज तक को नहीं मिलो। गिनीज बुक में आज भी नाम गुजरात को ही चाल रही है। गिनीज बुक वाला से बातचीत चाल रही है, बाका मेल भी आया है, जवाब भी दिए हुए है। हो सके गिनीज बुक में देवपुरा बालाजी विश्व में नाम आवे और हमें मनोकामना करा कि रोटा को प्रसाद खाकर बालाजी विश्व को कल्याण करे, सुख संपत्ति देवे, सनातन धर्म को प्रचार करे और सनातन धर्म की रक्षा करे। महाराज की कृपा से विश्व रिकॉर्ड का रोटा बन रहा है। इसका टोटल वजन 2700 किलो होगा और इसका प्रसाद वितरण किया जाएगा। यह तो एक महीने से इसकी तैयारी चल रही है। भट्ठा और यह दुआ और बेलन यह सब बालाजी महाराज ने नया बनवाया है और सबका कल 8:15 इसका भोग लगेगा और सबको 25,000 आदमियों को वितरण किया जाएगा। जय बालाजी महाराज की जय। बड़े सौभाग्य की बात है और हमारे सनातन धर्म के लिए गर्व का विषय है कि सीकर ही नहीं, राजस्थान भी नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में हम ऐसा एक मापदंड स्थापित कर रहे हैं कि 2700 किलो का रोटा पहली बार, जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी यहाँ करके इसका नाप लेके गए हैं और इतना शानदार भव्य प्रोग्राम हुआ है कि पूरी आस्था का सैलाब यहाँ देवपुरा धाम में उपस्थित है। देवपुरा बालाजी महाराज की कृपा से हमें इस कार्य में, इसके भट्टी निर्माण से लेकर के अन्य कार्यक्रम में सहयोग का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए भगवान बजरंगबली श्री रामचंद्र की अद्भुत कृपा रही है कि हम सबका इसमें सहयोग होते हुए आज हम इस कार्य को पूर्णाहुति तक लेके जा रहे हैं। इसको ये जो 2700 किलो का रोटा है जिसमें 1100 किलो आटो और 700 किलो घी और 300-400 किलो कम से कम इसमें ड्राई फ्रूट का उपयोग हुआ है और इसके बाद में 18 घंटे इसकी सिकाई के बाद में कल इसका भोग लगा करके चूरमा बना के सबको वितरित किया जाएगा। जय हो बजरंगबली की जय। आके
के बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही है और बालाजी के मंदिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है और बस बालाजी से यही प्रार्थना है कि अपनी कृपा हम पे बनाए रखे। FM सीकर शहर की धड़कन।